वेलकम बैक टू माय किचन। मेरी किचन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सुबह की भागदौड़ी में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नो आटा बनाना, नो बेलना। आप इसको बच्चों के स्कूल के लिए टिफिन में भी दे सकते हो, ऑफिस के लिए भी दे सकते हो और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाती है कम से कम टाइम में। तो आज की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए एक बार। चलिए मैं शुरू करती हूँ रेसिपी बनाना। हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 कप आटा ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। आप चाहे तो 1 कप से भी बना सकते हो। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, एक बार मिक्स कर देंगे नमक आटे के साथ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक स्मूथ घोल बनाएंगे। इसे हम 5 मिनट ऐसे ही चलाते हुए अच्छी सी स्मूथ घोल बनाएंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। अब हम इसको एक साइड में रखें। यहाँ पे हमने एक अंडे ले लिया है। अंडे हम 1 कटोरी में ले लेंगे। इसमें हम डाल देंगे पतली पतली कटे हुए 5-6 टमाटर की पतली पतली कटे हुए थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरा धनिया, 5-6 बारीक कटे हुए हरी मिर्च के टुकड़े, काली नमक, खाने वाला स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चाट मसाला, ब्लैक पेपर। इसको हम एक बार अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहे तो इसमें 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं। या गैस पे हमने तवा गर्म होने के लिए रखा था, गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऑयल से ब्रश करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। अभी गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और यहाँ पे हमने घोल बना के रखा था। अब हम इसमें से डाल देंगे तवे में और इसको हम हल्का सा फैलाएंगे। अब ये ऊपर से पूरी तरह पक चुका है, गीला नहीं होना चाहिए। अब हम ये अंडे की जो बना के रखा था इसको हम डाल देंगे। इसमें जो भी टमाटर प्याज इसको हम सब दूर कर देंगे, नहीं तो एक जगह हो जाएगा। और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम में पकने देंगे। अभी ऊपर से अंडे भी पक चुका है। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम पलट देंगे। साइड चेंज करेंगे हम। देखिए कितना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे और इसको हम निकालेंगे। अभी हम दूसरी तरीका की बताएंगे। पहले हम आटे की जो बेटर है इसको हम ऐसे ही बनाएंगे।
में हम पलट देंगे। इसे हम अभी निकालेंगे, तवा में हम थोड़ा तेल ब्रश करेंगे और जैसे हमने पहले अंडा बनाया था टमाटर प्याज मसाला डाल के ऐसे हमने बना लिया है। अब हम ये अंडे को तवे में डाल देंगे। अंडे पक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। जो हमने आटे की वो हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसा। अब हम इसको पलट देंगे। एक मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब हम बीच में से इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड भी हम कुछ सेकंड के लिए सेक लेंगे। हो गया है, इसको हम निकालेंगे। की रेसिपी आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।